Lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to begin with the sixth question. Back exercises कर रहे हैं motion chapter की. Question six says figure 8.11 shows the distance time graph of three objects. तीन objects का distance time graph हमें यहाँ पे given है. Study the graph and answer the following question. तो इस graph को देख के हमें कुछ questions के answer बताने हैं. First step, which of the three is traveling the fastest? अब इन तीनों object में से सबसे ज़्यादा fast कौन सा ट्रेवल कर रहा है? देखो अब वो हम कैसे बताएंगे. सबसे पहले तो यहाँ पे अगर इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता तो हम बता पाते किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया आराम से ग्राफ पढ़ के. लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, एक का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एक का ये है, एक का ये है, तो इनके स्टार्टिंग पॉइंट ही अलग अलग है. तो डिस्टेंस किसने सबसे ज्यादा ट्रेवल किया वो हम बताएंगे अपने ग्राफ की कर्व से, या फिर हम बोल सकते हैं स्लोप से. जितना ज्यादा स्टीप होता है उतना ज्यादा वो फास्टेस्ट ट्रेवल कर रहा है, मतलब उतनी ज्यादा स्पीड पे ट्रेवल कर रहा है. जितना ज्यादा आपका जैसे ये ग्राफ है लेट्स सपोज, और जितना ज्यादा वो ऐसे यूं टेढ़ा टेढ़ा ऐसे ऐसे जाता है उतना वो स्लो है, एंड जितना इस तरीके से ऊपर ऊपर जा रहा है उतना ज्यादा ही फास्ट है. तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें बी सी और ए में, सो देखो जरा काय ए से स्टार्ट करते हैं. ए तो बिल्कुल देख सकते हो आप यूं ऐसे टेढ़ा लेटा हुआ जा रहा है. जो हमारा सी है वो भी ऐसे ही जा रहा है. लेकिन बी देखेंगे तो बी बिल्कुल इस तरीके से स्टीफ है. सो वी कैन राइट बाय लुकिंग एट द स्लोप, वी कैन से द स्लोप ऑफ लाइन बी इज ग्रेटेस्ट. इसीलिए ये हमारा होगा कि ये फास्टेस्ट ट्रेवल कर रहा है. क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हैं. सेकेंड पार्ट है हमारे पास, आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड. क्या वो बोल रहे हैं कि ऐसा ही कोई पॉइंट आया जिसपे ए बी सी तीनों ऑब्जेक्ट एक ही पॉइंट पे. अब एक ही पॉइंट पे कब जा रहे हैं यार, ये बार बार आ जाता है. एक ही पॉइंट पे जैसे अब एक बंदा ऐसे जा रहा है और दूसरा उसको क्रॉस करके निकल जाए, मतलब एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा तब पता चलेगा. जैसे अगर ये दो ऑब्जेक्ट है लेट्स सपोज पी और क्यू, ठीक है, वो एक पी यहाँ से यहाँ तक गया और क्यू ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये मीट हुए थे जहां पे ये इंटरसेक्ट किया इन्होंने, समझ रहे हो. तो इंटरसेक्शन का पॉइंट है कि वो दो ऑब्जेक्ट आपस में मीट कर रहे हैं. इस केस में अगर हम देखें, एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पे हमारा ये ग्राफ बी वाला और ए वाला, ए और बी पॉइंट मीट कर रहे हैं. एक हमारा ये है जहां पे सी एंड ए मीट कर रहे हैं. एक पॉइंट ये है जहां पे ये कौन सा ग्राफ है, B एंड C हमारे मीट कर रहे हैं. लेकिन कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पे ये तीनों इंटरसेक्ट करें, सो देयरफॉर नो, अभी तक ऐसा इस ग्राफ में तो नहीं दिखाया हुआ कि इन्होंने मीट करा है. आगे नेक्स्ट पार्ट है, हाउ फार हैज C ट्रेवल्ड व्हेन B पासेस A. थोड़ा सा ध्यान से समझना. अब वो बोल रहे हैं C ने कितना ट्रेवल किया था जब B और A ने पास किया. A का ग्राफ ये वाला है, बी का ग्राफ ये वाला, इनका पासिंग पॉइंट कौन सा है, ये है, ठीक है जी. अब इस पॉइंट पे सी का डिस्टेंस कितना है, यहां से देख लो जरा, ये सी का ग्राफ है ना, मतलब सी ने यहां तक डिस्टेंस किया है. एंड अगर मैं अच्छा इसको क्लियर करते हैं, पहले ये इतनी मोटी मोटी लाइंस है, तो यहां पे आप देखोगे यहां पे इस पॉइंट से हम देख रहे हैं, इस पॉइंट से अगर मैं इधर ले आऊं तो यहाँ पे है, मतलब डिस्टेंस कितना है सी का इस पॉइंट पे. आप कहोगे हाँ ठीक है, एट उसने एट कितना किलोमीटर ट्रेवल किया है. लेकिन एक चीज और देखने वाली है, सी स्टार्ट कहां से हुआ है, जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ, वो स्टार्ट हुआ है इस पॉइंट से. अगर तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है तो जीरो से स्टार्ट हुआ तो एट किलोमीटर. सो अब हमें देखना है इस पॉइंट से, लेट्स सपोज पी हो गया ये, पी से इस पॉइंट को मैंने बोल दिया क्यू, पी से लेके क्यू तक का क्या डिस्टेंस है. सो पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस देखना है. अब यहाँ पे हमारी एक दिक्कत और है कि ये जो ब्लॉक्स बने हुए, देखो यहाँ पे फोर से एट, जीरो से फोर, फोर से एट, इस तरीके से चार चार का गैप चलता हुआ आ रहा है. लेकिन यहाँ जो इसके बीच में ब्लॉक्स है वो चार नहीं है, तो इस एक ब्लॉक का साइज क्या होगा हमें यही नहीं पता. सो हमें निकालना पड़ेगा इस एक ब्लॉक का साइज. उसके लिए आपको बहुत ध्यान से ग्राफ देखना पड़ेगा. पहले मैं देख रही हूँ, उसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर लिया हमने. जीरो से फोर तक देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ब्लॉक. सो ये हो गए हमारे सेवन ब्लॉक.
मतलब डिस्टेंस कितना था, 4 था, लेकिन ब्लॉक्स है बीच में 7। अगर तो यार 4 होते तो सिंपल एक 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 का मतलब 1 ब्लॉक का 1 माना जाता, 1 किलोमीटर का गैप है एक ब्लॉक में, लेकिन 7 ब्लॉक्स है और डिस्टेंस 4 किलोमीटर ही है, मतलब एक ब्लॉक जो हमारा होगा दैट इज गोइंग टू बी 4/7। ये चीज समझ में आई, 4 का डिफरेंस है, 4 किलोमीटर का गैप है, ब्लॉक्स है 7, ठीक है। तो 1 ब्लॉक हमारा हो गया 4/7। ये चीज समझनी है, सिंपल मैथ्स है। यहाँ पे हमारे पास एक बार फिर से बता रही हूँ, हर जगह पे 0 से 4, 4 किलोमीटर, 4 से 8, 4 किलोमीटर, 8 से 12, 4 किलोमीटर डिस्टेंस इस पूरे का, जब हम इस पूरे की बात करते हैं तो ये पूरा मेरा 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है और यहाँ पे ये है 7, तो 1 हो जाएगा 4/7। आई होप दिस इज क्लियर। चलो वापस आ जाते हैं, अब हमें देखना है, अच्छा ग्रीन वाला हम सारा रब कर देते हैं, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं यही तो रब कर रही हूँ सारी चीज। बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये भी हटा देते हैं यहां से। चलो हमें ये ध्यान रखना है, अब हमें देखना था पी पॉइंट, अच्छा इसको भी रब करते हैं ताकि हमें विजिबल हो जाए अच्छे से। ये हमें देखना है अब पी पॉइंट, मतलब यहां मान लो, तो ये देखो कहां से स्टार्ट हुआ है, 1 2 3 4 ब्लॉक्स छोड़ के 1 2 3 ब्लॉक्स है, मतलब यहां से आप देखो 4 से 8 तो कितने हैं, 4 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हो आपके रेफरेंस के लिए, 4 से 8 तो 4 किलोमीटर हो गया, प्लस ये कितना है 1 2 3 ब्लॉक्स, मतलब 3 × 1 ब्लॉक कितना है 4/7। आई होप दिस इज क्लियर। ब्लॉक बस हमने निकाला है, एग्जाम में मुझे नहीं लगता इस टाइप का कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन आएगा, अगर आपका आएगा भी तो बहुत क्लियर हो गए पॉइंट्स वहां पे, यहाँ पे इतनी मोटी लाइन बना दी है तो ये ब्लॉक्स का भी पंगा पड़ रहा है, तो आपको मैं जो यहाँ पे अच्छे से समझाना था इसलिए मैंने पूरा लिया, आप चाहो तो अप्रोक्स लेके भी करके समझ सकते हो, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से समझा दिया है, तो अब इसको कैलकुलेट कर लेती है। ये तो हो गया 4 + 4 = 12/7, ये आ गया 7, यहाँ पे 1 था 7 से करेंगे, 7 × 4 = 28 + 12, दिस इज 8 9 10, और ये हो गया 4, सो ये आ गया 40/7, ठीक है। सो दैट मीन्स बी से क्यू तक का डिस्टेंस 40/7 किलोमीटर था, एंड यही है हमारा, इतना ही ट्रेवल किया है सी पॉइंट ने जब बी और ए ने एक दूसरे को पास किया, ठीक है। इसी तरह से डी पार्ट भी, अगर ये पार्ट समझ में आ गया हो तो डी पार्ट भी आराम से आ जाएगा समझ, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। अब वो कह रहा है, अच्छा हमसे पूछा है बी ने जब सी को क्रॉस किया, बी ने सी को कहां पे क्रॉस किया है, अब पहली बात उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ही समझ नहीं आता, इतना मोटा सा है, बट यहाँ पे इनका कहीं इंटरसेक्शन पॉइंट आया है, तो हमें बताना है बी ने अभी कितना ट्रेवल किया था। ये देखना बहुत ईजी है यार, मान लो यहाँ पे है तो मैं यहां से इतना देख रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बी देखना ईजी क्यों है, क्योंकि बी जो है वो हमारा 0 से स्टार्ट हुआ, तो बस हमें देखना है यहाँ पे कितना होगा, तो 0 से 4 किलोमीटर और फिर 1 + 2 + 3 ब्लॉक्स, मतलब 4 किलोमीटर + 3 ब्लॉक्स, यही हुआ है ना। ये तो क्योंकि बी तो हमारा 0 पे था, सो नाउ अगेन ये तो सेम ही हो गया, तो ये हो गया 4 + 3 ब्लॉक्स, क्या होगा 3 × 4/7, सो ये दिस इज 4 × 4 = 12/7, एलसीएम लिया 7 आ जाएगा, 7 × 4 = 28 + 12, एंड ये हमारा हो गया 40/7। सेम ही है, इसका एक तरीका और है कि यहाँ से आप टोटल ब्लॉक्स देख लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ब्लॉक्स है, एक ब्लॉक है हमारा 4/7 का, × 10 ब्लॉक्स कर दो, अगेन 40/7 आ जाएगा, दोनों से आपका आंसर सेम ही आएगा, डिवाइड करोगे 5 point something something आएगा, ठीक है जी। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आई नो एवे कैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी होगी, लेकिन कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आएगा भी, तो ग्राफ बहुत क्लियर आएगा, इस तरह का मेसी सा क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। सो ये था हमारा 6th क्वेश्चन, हम आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय।